ये पतंग जो कि है वो केपी फ्रॉम फिरोजाबाद की पतंग है, यानी कामता प्रसाद जी के हाथों की बनाई हुई पतंग है और बहुत ही फेमस पतंग है, काफी पतंगबाजों ने उड़ाई भी है और काफी अच्छा रिजल्ट होता है। तो मैं आपको लिंक जो कि वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप ऐप भी पे हो यानी फेसबुक पे हो तो फेसबुक से मैसेज कर सकते हो, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एसकेबी गाइड शॉप के लिए। और दोस्तों प्रमोट करना, दोस्तों प्रमोट तो मुझे करनी है बिकॉज एसकेबी जो कि वो मेरी खुद की शॉप है, इस वजह से मैं खुद की प्रमोट करता हूँ। और जितने भी पतंगबाज हैं, पतंगबाजी को बचाने के लिए बेसिकली ये चैनल बनाया गया है, आप सभी को वापस बता देता हूँ मैं। और इस पर हम करने डालते हैं फटाफट से। अगर आपको इस टाइप की पतंग चाहिए तो मैं आपको कहा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों डायरेक्ट नंबर इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने नंबर दिया है, उन लोगों की एक ही शिकायत आती है कि सर आपने जो नंबर दिया है मेरा उस पर केवल मज़े लेने वाले, मतलब केवल टोटल मज़े लेने वाले लोग होते हैं जिन्हें ना पतंग लेनी है ना कुछ, केवल मज़े लेते रहते हैं कि इसकी रेट बता दो, इसकी प्राइस बता दो। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं हो पाता। अगर आप यकीन नहीं करोगे, जो इंस्टाग्राम का पेज है और एफबी या फेसबुक का जो भी है उसके अंदर लोग मैसेज करके केवल मज़े लेने वाले हैं, कोई भी पतंग मजा लेता नहीं है। इससे सामने वाला इरिटेट होता है और परेशान होता है, इसलिए उन्होंने साफ तौर पे मुझे नंबर देने के लिए मना कर दिया है। तो अगर आपको पतंगें चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एफबी या फेसबुक से आसानी से बात करके जो की है वो पतंगें ले सकते हो। तो मैं आपको जो की है वो दिखाता हूँ पतंग जो की है दोस्तों, लचीली पतंग है और बहुत ही अच्छी है। इसे हम फटाफट से करने डालते हैं और आप सभी को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप सभी ने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है। और दोस्तों इस वीडियो को भी इतना शेयर कर दो कि ये भी जो कि है वो और लोगों तक पहुँच जाए। और मैं इसका पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट जो कि वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी इतना प्यार दें। और मैं फटाफट से इस पतंग को तैयार करता हूँ और हम जो कि इसको उड़ाते हैं। ये पतंग दोस्तों गोल फर्मे की है तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेपिंग कर रखी है, ये अद्दी है तो गोल फर्मे में जो कि साइज थोड़ा सा लंबा, यानी हम इसके जो कि छोटे फंदे बिल्कुल नहीं डाल सकते, चाहे से तेज हवा हो या फिर धीमे हवा हो। तो हम यहाँ पे जो कि एक माचिस की तिल्ली से होल करेंगे, इस तरीके से मैंने इसको होल किया है और मैंने टेपिंग ऑलरेडी कर रखी है। और मैं आपको जो कि करने इसलिए भांति दिखा रहा हूँ इससे, हालांकि दोस्तों काफ़ी लोगों को सीखने को मिलता है जितने मेरे नए वीडियोस पे, इसलिए मैं उनको करने सामने डाल के वापस बताता हूँ कि काफ़ी लोगों का फिर भी कमेंट आता है कि हमें करने बांधने के लिए एक बार वापस समझा दीजिए, तो इस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो कि पतंग है वो अजंता पेपर पे है, गोल फर्मे की पतंग है, आप इसकी जो कि है वो कमान थड्डे देख लीजिए। दोस्तों ये कौन था 400 ग्राम्स का, जिसमें से एक्सटर्नल बचा हुआ थ्रेड है ये, तो इसको जो कि है हमने करने बांधने के लिए यूज़ किया। और ये जो कि वो 3 नंबर का है और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 नंबर या फिर 1 नंबर की शादी से ही तंग डाला करें, जिससे वो हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से जो कि करने आके मूवमेंट बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन मेरे पास अभी इस टाइम पे मौजूद नहीं था तो इसलिए जो कि ये मैं नॉर्मल थ्रेड यानी प्योर कॉटन, दोस्तों ये सिर्फ केवल कलर है, तो मैं इसका जो कि है वो यूज़ कर रहा हूँ तंग डालने के लिए यानी करने। तो दोस्तों मैं जो कि है वो नॉर्मल डाल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से दो इस तरीके से फोल्ड करने हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से फोल्ड करिए, बेसिकली उसके अंदर एक सिंपल नोट बांध दीजिए, इस तरीके से मैंने इस पर नोट बांध दिया। जस्ट इसी की तरह जो कि है इसके एक निचले हिस्से की तरफ भी आपको इस तरीके से बांधनी है, ये मैंने बांध दी दोस्तों। और अब ऊपर की तरफ इस तरीके से कन्ने बांध रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने अब यहाँ पे भी टेपिंग कर रखी है, यहाँ पे इसलिए टेपिंग कर रखी है जिससे थड्डे और कमान के बीच में घर्षण कम हो और हमारे कन्ने जो कि हैं वो जल्दी ना हो। ये हम चाहें तो सिंगल इस तरीके से बांध के भी आराम से उड़ा सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक उड़ेगी, ये देख लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप पेस्ट थपक्की से लड़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये टेप लगाना और इसको 4 बार जो कि है फोल्ड करना, यानी कन्ने जो कि है वो आपको एक बार वापस इसी सिचुएशन में और इसी कंडीशन में आपको वापस इसी तरीके से बांधने हैं। इससे अगर आप थपक्की देंगे तो आपके कन्ने जो कि हैं वो आसानी से नहीं होंगे। और मेरे से ये पतंग फट गई कि तेज हवा चल रही है इस वजह से, इसको अब अभी हम प्रिपेयर करते हैं वापस यहाँ से जो कि वो टेप लगा के और नीचे से इस तरफ बांधते हैं। ये इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले बराबरी बीच में नापना है, आप चाहो तो इस तरीके से मेजरमेंट जिस हिसाब से आप मेजरमेंट करना पसंद करते हो उस हिसाब से करें और उसके बाद जो कि इस तरीके से आप नापें। जब आपका सेंटर बीच में हो जाता है तो आप इसको जो कि वो हल्का सा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दो, हल्का सा जो कि दोस्तों ऊपर की तरफ यानी इस दिशा की तरफ थोड़ा सा आप छोटा कर दें। और इस तरफ जो कि आपकी ये थ्रेड है इसको आप यानी ये धागा है
इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दें, इससे दोस्तों चक्कर खाएगी आपकी पतंग। और पतंग को घुमाने के लिए कन्ने कहाँ से बांधे, पतंग को घुमाने के लिए अगर आपके पास बड़ी पतंग है, पौनी पतंग है, अगर आसानी से चक्कर नहीं खाती है, नहीं घूमती है, तो आप कन्ने यहाँ पर बांधे, इससे आपकी पतंग जो कि वो आसानी से चक्कर खाएगी और आसानी से घूमेगी। लेकिन ये पतंग दोस्तों गोल फर्मे की है, इसके मैंने कन्ने यहाँ डाले हैं, ये आसानी से चक्कर खाएगी और ये अड्डी है, इस वजह से बहुत अच्छा काम करेगी। और इसका हम वर्क देखते हैं अभी किस हिसाब से, और मैंने नोट बांधी। और जब भी आप कन्ने बांधते हैं पतंग के, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ये वाली नोट होती है सिंपल, ये वाली जो कि वो पतंग से यानी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये जो कि है वो अंदर के अंदर ही रहनी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये नोट है, ये हमेशा पतंग के अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले, तो इससे क्या है पतंग का बैलेंस एकदम परफेक्ट बना रहता है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा भाई अभिषेक पेच चढ़ा रहा है, जिस अड्डी में हमने पतंग में कन्ने डाले थे, और काटने के बाद जो कि दोस्तों हुआ क्या, एक्चुअली में जो कि दोस्तों जो डोर था वो इसी पतंग में वापस लग गया, जिस वजह से जो कि दोस्तों सुलझाते मतलब अलग करते करते पतंग उनकी भी जाया हो गई है। तो आपने देखा होगा जब भी मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मैं हमेशा झटके या फिर पतंग का डोरा छोड़ देता हूँ। तो इस टाइम पे जो कि मैं पतंग को चेक कर रहा हूँ, और ये पौनी पतंग है, और ये पतंग जो कि है दोस्तों 5 ईयर्स ओल्ड है, 5 साल पुरानी पतंग है, और अजंता पेपर की है, लंबे काट की। और जो कि दोस्तों ये पतंग है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पतंग है, तो इसको जो कि दोस्तों मैं चेक करूँगा। लेकिन हमें जो कि दोस्तों थोड़ी सी पतंग जो कि दोस्तों या तो बाहर की हो या फिर अंदर की हो, मतलब थोड़ा सा पतंग जो कि वो टन खाए। तो दोस्तों देख लीजिए बैलेंस जो कि है पतंग का बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पुरानी पतंग भी है यानी ओल्ड एज पतंग है, और बहुत ही अच्छा जो कि है इसकी पतंग का मूवमेंट भी है। तो इस टाइम पे अगर आप अंदर या बाहर देखोगे, क्योंकि दोस्तों छतों में ये होता है कि आपका पेज जो कि दोस्तों छोटा भी आ जाता है और पास भी आ जाता है और दूर भी लट जाता है, और आपके लेफ्ट और राइट ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि आपका पेज जो कि ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकता है। तो छत के पेज जो कि है दोस्तों मैदान के पेज से बहुत टिपिकल होती है। मैं जो कि दोस्तों अब जो कि वो मंजे अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने मंजे अप्लाई करके जो कि पतंग को मैंने छोड़ दिया है। तो आप देख लीजिए मैंने मंजे लगा के पतंग छोड़ा, और हवा और पतंग में आप देख लीजिए कितनी खूबसूरती पतंग है। और जो कि दोस्तों अब हम देखते हैं, उड़ाते हैं और काउंट करते हैं कि हम कितने पेज इससे काटते हैं। और आप सभी से मैं फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार किया है, सपोर्ट किया है। दोस्तों आप जो कि है इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को प्यार करें, सपोर्ट करें, और दोस्तों मैं ऐसी जो कि नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरा जो चैनल है तो उसका जो कि दोस्तों इसमें जो कि मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बनाया है, तो इसका लिंक जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और एस के वी काइट शॉप का जो भी दोस्तों इंस्टाग्राम का पेज है, मैं आपको वो भी दे दूँगा, जिससे आप जितना भी विजिट करना है या फिर कुछ भी करना है वो आसानी से कर सकते हो। तो उसमें जो कि दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फेसबुक से कॉन्टैक्ट करते हो या फिर इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करते हो, तो आप किसी से भी दोस्तों आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी दोस्तों कहने का मतलब ये नंबर से ये था कि जो बनाने वाले हैं वो परेशान हो चुके थे, तो इस वजह से कहने का मतलब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए मना कर दिया गया है, ताकि वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें और वो अच्छे से अच्छे जो कि दोस्तों पतंग बनाकर हम तक पहुंचा पाए। तो इस वजह से उन्होंने जो कि दोस्तों लिंक जो कि वो एफबी और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दिया है, तो वो चैट के थ्रू आराम से फ्री टाइम में आप आराम से बात कर सकते हैं। तो इस टाइम पे दोस्तों मेरी पतंग जो कि है आप देख सकते हैं ऊपर से थी, और ये पेज जो कि दोस्तों मैंने ऊपर से काटा है। इस बार मैं आपको मार्क करके इसलिए नहीं समझा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो कि दोस्तों काफ़ी लोगों की पतंगबाजी दोस्तों बहुत कम हो चुकी है इस टाइम पे। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर इतनी अच्छी मतलब पतंगबाजी आपको देखने को मिलने वाली है कि आप सभी का जो कि दोस्तों दिल खुश हो जाएगा। और मैं जो कि दोस्तों जो वीडियोस है मैं 3 दिन के बाद उसे जो कि दोस्तों अपलोड करूँगा, जस्ट 3 दिन के बाद अपलोड करूँगा। और जो उसकी टाइमिंग है वो दोस्तों मैं जो कि वो 12 बजे करूँगा, यानी दोपहर के 12 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आप सब जो कि वो तैयार रहना इस वीडियो के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो कि दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल को दोस्तों बेल आइकन जरूर जरूर दबा लेना। बेल आइकन से ये होता है दोस्तों जितनी भी मेरी पोस्ट है वो आपको जो कि दोस्तों शो होगी, और जैसे ही मैं 12 बजे के बाद जो कि वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो कि दोस्तों नोटिफिकेशन आएगी, तो आप जो कि वो आसानी से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये नीचे से जो कि पतंग है दोस्तों मेरी है, और मेरी पतंग बहुत आगे इससे, और मैंने ये पतंग को दोस्तों बहुत ही आसानी से पेज काट दिया, ये देख लीजिए दोस्तों। तो आपको जो कि दोस्तों काफ़ी टेक्निक समझने में जो कि आएगी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ से, उसके अंदर मैं मार्क करके बकायदा बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो कि है इस पतंग की वीडियोस बनाई है। और काफ़ी लोगों का ये भी शिकायत होती है कि आपकी जो कि वीडियोस है दोस्तों तो हमें जो कि क्वालिटी वो अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो मैं जितना जानता हूँ तो दोस्तों आप वीडियोज़ को जितने भी हाइस्ट क्वालिटी में देखने का
प्रयत्न करोगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी में आप जो की है आप आराम से किसी भी टीवी में या फिर किसी भी लैपटॉप स्क्रीन में आपको जो की है पेज और भी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे, अगर आप जो की अगर लैपटॉप या पीसी या फिर आप टीवी या किसी भी एलईडी से जो कि मेरे पेज को देखोगे तो आप ऑनलाइन, तो आपको जो कि दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी की दिखेंगे और आपको बहुत अच्छे पेज समझ में भी आएंगे। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना उन पेजों को देखने की इस तरीके से, इस ट्रिक से। तो आप बाकी देख लीजिए दोस्तों, ये मेरी पतंग जो कि वो कट चुकी है इस टाइम पे सद्दे से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी पतंग सद्दे से कटती है या फिर मंजे से। और हाँ, आपको ये टेक्निक ज़रूर आना चाहिए कि आपका पेज जो कि दोस्तों कोई छोटे में करके खींच जाता है तो आपको जो कि दोस्तों अपनी पतंग को उतारना भी आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि छतों में जो कि हमारे पेज हैं वो कई लोग जो कि वो हाथों से खींच जाते हैं या फिर दोस्तों फटाफट से उतार के हमारी पतंगों को जो कि है वो हमें उतारने का मौका नहीं देते और उससे पहले पतंग काट जाते हैं। तो ये आपको टेक्निक आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि छत के कुछ रूल्स होते हैं तो उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है और उन्हें हमें जो कि वो अपने हिसाब से पेज लाने पड़ते हैं। अगर कोई आपके हाथ से भी पतंग काटता है तो आपको वो भी बचाना आना चाहिए। और पतंगबाजी में दोस्तों सबसे ज़्यादा मैन जो कि डिटेल मानी जाती है वो ये है कि आपको अपनी पतंगें दोस्तों बचानी भी आनी चाहिए और आपको पेज जो कि दोस्तों मतलब हर एक पेज का जो कि है वो तोड़ भी आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और जो कि मार्क करके भी आपको जरूर समझाऊँगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा पेज कुछ लड़ने वाला है इस टाइम पर दोस्तों। मुझे थोड़ा सा जो कि है ये देख लीजिए, मतलब सामने वाले का मैंने वेट किया और जैसे ही वो खींचा तो मैंने सिर्फ थपकी से पेज को काट दिया। और दोस्तों अगर आपको मेरे पेज पर थपकी या फिर खींच किसी भी टाइप पे अगर आपको देखना है तो बेसिकली आप जो कि वो बड़ी स्क्रीन पे देखें, आपको मेरी एक एक पतंग का जो कि मूवमेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों कैमरा मैन में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे छोटे भाई को इतनी नॉलेज नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे तैसे इंप्रूव करवाऊँ और भी अच्छी क्वालिटी से आपको जो कि समझा पाऊँ। दोस्तों इस टाइम पर जो कि मैंने एंड बॉक्स पे थपक्की दी लेकिन दोस्तों सामने वाले का डोर जो कि वो टच नहीं हो पाया क्योंकि बहुत आगे से उठ रही है, लगभग 200 मीटर के आसपास से भी, मतलब जो आदमी है या फिर हमारा अपोनेंट्स कह सकते हैं उसको आसानी भाषा में, तो वो इतना दूर खड़ा है और पतंग दोस्तों और भी थोड़ी सी दूर है। ये देख लीजिए दोस्तों, तो ये पेज हमने काटा बहुत ही बेहतरीन और हम वापस जिससे हमारा जैसे थपकी देखे हमने पतंग बचाई थी, मतलब हमारे अपोनेंट्स ने बचाई थी, तो अब उससे हम पेज लड़ा रहे हैं। दोस्तों इस टाइम पे जो कि है मुझे लंगर का जजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया, तो इस टाइम पे जो कि दोस्तों मैं पतंग में अपने चक्कर यानी शे दे रहा हूँ और मैं बाहर खींचूँगा बिल्कुल। तो इस टाइम पे देख लीजिए आप, ये मैंने अपनी पतंग को घुमाया हल्का सा और मैंने बिल्कुल अपनी पतंग को हल्का सा इधर करके और बिल्कुल बाहर की तरफ खींचा लेकिन पतंग का डोर टच नहीं था तो मुझे समझ में आ गया, तो मैंने दोबारा पतंग को अंदर भरा और जैसे डोर टच होने वाला था और वैसे का वैसे डोर को खींच लिया। तो इस तरीके से मैंने जो कि पेज है वो नीचे से काटा, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो कि मेरा पेज है वो ऊपर से आना चाहिए था, बट जो कि आप छत के रूल कुछ जानते हैं तो छत में जो कि दोस्तों ऐसा कोई भी कहने का मतलब बिल्कुल फ्रीडम पेज लड़ते हैं तो आप वो हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों ये देख लीजिए, रात का टाइम हो चुका है, मैंने अपनी पतंग को पूरी उतार लिया। इस टाइम पर दोस्तों पतंगें जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं इसलिए आपको पेज में जो कि है बहुत कम दिखा पाया हूँ और बहुत कम टेक्निक बता पाया हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा और आप देख लीजिए। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल में जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।